Ramiri Majipumadakana Vermani Sikapa Dingsamadiyami to Ramiri Majipumadakana Vermani Sikapa Dingsamadiyami to Ramiri Majipumadakana Vermani Sikapa Dingsamadiyami हमारे सामने रखें और उसके बाद में हमारे जो साथी यहाँ से या बाहर से भी उपस्थित हैं जो अभी उस क्रम में कोई डाउट कोई प्रश्न किस तरह के हैं उसके बाद में कर पाएं। श्रद्धेय सुंदर जी, देखिए पहली बात तो इस बात को अच्छी तरह से सब अपने मन में बैठा लें और जान लें कि ये समण संघ की विचारधारा है और बुद्ध भी समण हैं, इसलिए समण संघ की जो विचारधारा है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि भारत में उस समय तो जो ब्राह्मण लोग थे वो 1% से भी कम थे, और चूंकि वो अपने किसी व्यक्ति को मरने नहीं देते और कोई व्यक्ति उनका मरता है तो बहुत शोर मचाते हैं। आज भी आप देखोगे उनका कोई व्यक्ति मरता है तो 50 लाख मिलते हैं, एक नौकरी मिलती है जो क्लास 2 की होती है, क्लास 1 की होती है, और हमारे मर जाते हैं उनको 2000 भी नहीं मिलते, 5000 नहीं मिलते, उतना संघर्ष होता है। तो वो अपने किसी व्यक्ति को अभी भी नहीं मरने देते, और वो पहले भी नहीं, क्योंकि वो संख्या में बड़े कम रहे हैं, तो वो 1% से 2% और 3% तक पहुंच गए। और हम लोग क्योंकि हमारी संख्या कम होती जा रही है, हमारे बिना इलाज के मर जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, हम इकट्ठे नहीं हैं उसके कारण है, और उनको सुरक्षा भी नहीं है पीछे, जैसे समाज की सुरक्षा होती है वो भी खत्म हो चुकी है, तो वो सुरक्षा अभी आ रही है। दूसरा जो सवाल आप जातियों का कह रहे हैं, यहाँ जितने भी बहन भाई बैठे हुए हैं सब इस बात को ध्यान दें भाई, खत्म तो तब करें जब कुछ हो भाई। जातियां सारी की सारी जाति हवा में हैं, कोई किताब नहीं मिली आज तक मुझे, और जिसको लगता है कि वो जातियों की किताब ढूंढ के ला सकता है मेरे को दे दे भाई, 40 साल हो गए, 40 साल से जाति की कोई किताब नहीं मिली, और कहीं नहीं मिला कि ये जाति इससे छोटी है, ये जाति इससे बड़ी है। अब संविधान की बात मत करना, वो अभी का है, क्योंकि संविधान में तो फायदे की बात थी, और वो बाबा साहब अंबेडकर जातियों को खत्म करने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी की, तो उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोल के लिए लड़ाई ली, और वो जातियों को खत्म नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो बाबा साहब को खदेड़ के दोबारा से जातियों पर लाए, क्योंकि अगर सेपरेट इलेक्ट्रोल मिल जाता तो ये जो हवा में जातियां हैं ये पूरी तरह से गायब हो जाती। मगर सेपरेट इलेक्ट्रोल जब खत्म हुआ और आरक्षण की बात हुई तो आरक्षण दें किस आधार पर, तो उस आधार के लिए ये जो नाम थे जो अलग अलग कबीलों के नाम थे जिनको जातियां बोलते हैं वो लिखे गए कि भाई इनको दे दो, इनके पास में कुछ नहीं है, तो उनको वो जातियां बोलते हैं। दरअसल बुद्ध के साहित्य में जो जात और जाति शब्द है उसका मतलब होता है उत्पन्न करना, उत्पन्न पैदा, जाति दुखा, जरा दुखा, मरण दुखा, व्याधि दुखा, सब पढ़ते हैं। तो जाति दुखा मतलब जन्म लेना दुख है, मरणंग माने मरना दुख है, व्याधि मतलब बीमारी दुख है, और जरा माने बढ़ापा दुख है, ये दुख उन्होंने बताए हैं। तो कोई भी चीज अगर उत्पत्ति होती है, पैदा होती है, उसको कहते हैं तेरी जात क्या है, यानी तेरी उत्पत्ति क्या है, तेरी जाति क्या है, यानी तेरी उत्पत्ति क्या है, किस कबीले की उत्पत्ति है, क्या है, ये वो बताना होता है। तो कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि बाबा साहब का जो एनिमेशन कार्ड है उसके अंदर भी ये नहीं लिखा हुआ कि पहली जाति कब बनी। पहली जाति नहीं मिलेगी आपको, जब जाति इतनी ही महत्वपूर्ण थी तो उसका कोई साहित्य तो होता, उसकी कोई चैन तो होती, उसका कोई सिक्वल तो होता, उसकी कोई सीरीज तो होती। पहली जाति इस डेट में बनी, इसने बनाई ऐसी बनी, दूसरी ऐसे बनी, पहली वाली दूसरी से यहाँ छोटी है, केरल वाली ऐसे बनी, ये तो दरअसल एक ऐसी प्रक्रिया है जो दबाने के लिए सफल रूप से एक बनती चली गई। जैसे अभी क्या है कि दफ्तरों में हम बैठे रहते हैं, अब दफ्तरों में जातियाँ बन गई हैं, ABCD क्या है, जातियाँ हैं, जो ऊपर अफसर है वो नीचे वाले को कुछ नहीं समझता, उसका कार्य प्रणाली अलग है, एक ही दफ्तर में है, एक ही काम है, एक ही बात है, मगर वहाँ वर्ग भेद पूरा हुआ पड़ा है, वो नई जातियाँ हैं, तो ये जातियाँ बनी हुई हैं। तो आप कहें कि जी ये जातियाँ कैसे हो गई, वो जातियाँ, भाई वो भी ऐसे ही हुई हैं कि आपका सब सामान छीनने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, और वो सिस्टम हवा में है। तो हवा के सिस्टम को बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं हवा से ही खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जो ये जातियाँ हैं ये माइंड से हैं, मन से हैं, ये कहीं लिखित में नहीं है, ये कहीं है नहीं। आप जितने लोग बैठे हैं, जितनी बहनें बैठी हैं, सब अगर सोचेंगे एक मिनट में तो उनको पहली बार जाति सबसे कब साक्षात्कार हुआ, कब इंटरव्यू हुआ, कब उनको पता चला कि ये जाति है,
कि ऐसे होती है, और कब उनको ये पता चला कि अरे इस जाति में ये वाली जाति है तो ये ऊपर वाले को हमें इज्जत देनी है और हमें उसको इज्जत करनी है, वो हमें बेइज्जती देगा और हम अपने नीचे वाले को बेइज्जती देंगे उससे इज्जत लेंगे। स्टेप वाइज सिस्टम बनाया हुआ है, स्टेप वाइज बना हुआ सिस्टम है। इसलिए जब समण संघ होता है तो उसमें जातियां नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय जातियां थी ही नहीं। इसलिए कोई व्यक्ति समण संघ की अगर पैरवी करता है, समण संघ में आता है, समण संघ को दोबारा से तेजी से बढ़ाता है, तो जाति उसकी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। और बाबा साहब की तो मजबूरी थी कि उनको आरक्षण, चूंकि उन्होंने सोचा कि भाई सेपरेट इलेक्टोरल मिला नहीं और ये थोड़ा बहुत मेरे बच्चों को अगर कुछ मिल रहा है ये भी चला जाएगा, तो उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया कि चलो जाति के साथ ही सही। मगर आप क्यों जाति के साथ ढो रहे हो? बाबा साहब ने आपको कब कहा कि जाति, अरे लिख लो, उसका फायदा ले लो, बाकी भूल जाओ, बुद्ध बिहार में असमण बन जाओ। कौन कहता है आपको? उसको दिमाग से निकाल दो, तो दिमाग का खेल। हाँ बोलिए। और किसी साथी का कोई प्रश्न? और शब्द कौन सा बोला था दोबारा? प्रचार ना, प्रचार का जो शब्द है दरअसल हम पुरानी भाषा में बोलते हैं उसको प्रचार। प्रचार का मतलब होता है पूरी तरह से इसको चर्या में लाना, यानी कि सब लोगों की चर्या में लाना, यानी विस्तारित करना, फैलाना, इसको प्रचार शब्द बोलते हैं। इसका ये है यानी कि जब कोई बात यहाँ है तो पूरी तरह से सब में इसका चरण कर दें, इसको भेज दें, इसको तो इसका शब्द तो ये है। दूसरा ये है कि हम पहले जब हमारे अंदर जवानी का जोश था तो हम कहते थे ये सारे संगठन निकम्मे हैं, फिर थोड़ी उम्र हो गई तो कह लगे भाई संगठन ठीक है, इनकी उम्र पूरी हो गई, जैसे हमारी हो गई है। तो अभी तो हम ये कहते हैं कि भाई ये संगठनों की उम्र पूरी हो गई है, इनके काम पूरे हो गए हैं, अब इससे बात नहीं बनने वाली है। तो जब जवानी में थे तब तो कहते थे ये निकम्मे हैं, अब निकम्मे नहीं कहते हम, गलती पकड़ ली हमने, भाई ऐसा मत बोलो, कई लोगों को बड़ा लगाव है इनसे, वो चुपके हुए हैं, वो मर जाएंगे मगर इसको छोड़ेंगे नहीं, उनको पद से लालच है। तो अब हम कह देते हैं कि भाई इनकी उम्र पूरी हो गई, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि हर चीज की उम्र पूरी होती है, तो इनकी उम्र पूरी हो गई, अब ये काम के नहीं है। अच्छा अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने ये कहा कि जैसे बीएसएस हैं वो हमारे साथ नहीं आते, तो भैया ऐसा है कि परिणाम बता देगा कि क्या होना होना नहीं है, क्योंकि हम भी बहुत दिनों से जूते खा रहे हैं, अब तो पानी गले से आ गया, अब तो हम मरने वाले हैं, दरअसल हमको दिखाई नहीं दे रहा मगर हम खत्म हो चुके हैं, हमारे अधिकार जा चुके हैं। अगर आप देखोगे तो 20 साल पहले नौकरी का ग्राफ यूँ था, नौकरी के अलावा है नहीं, अब ग्राफ यहाँ आ गया है, और 10 साल के अंदर वो पेंशन वेंशन वाले मर जाएंगे और फिर जीरो आ जाएगा, मामला ख़त्म है। तो अब तो अगर नहीं कहेंगे अपने लोगों से, सबसे नहीं कहेंगे कि भाई हम मरने वाले हैं, तो कब कहेंगे? इसलिए सबसे कह रहे हैं कि इकट्ठा सब हो जाए। अच्छा, इकट्ठे होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, जैसे हम नागपुर गए थे, नागपुर में उन्होंने कहा जी 50 संगठन इकट्ठे हो गए। अच्छा, हमें पता है कि वो नाटक कर रहे हैं, चलो नाटक तो शुरू हुआ। अभी दो भारतीय बौद्ध महासभा के दो लोग आए थे उधर, उन्होंने कहा हम इकट्ठे हो रहे हैं, चलो इकट्ठे होने का नाटक शुरू हुआ। होगा कुछ नहीं, क्योंकि वो जब रात को सोते हैं तो सीएम की शपथ लेके सोते हैं और सुबह को उठते हैं तो पीएम की शपथ लेके उठते हैं। तो उन्होंने हमको मरवा रखा है, तो वो दिक्कत आ रही है। अच्छा, समर संघ में जब उनको कहते ना कि समर संघ में विदा पीपल में, तो कहते हैं अजी इसमें तो आपने ये कह रखा कि पैसे तो लेंगे नहीं। तो हमने कहा भाई पैसे तो दे देंगे, मगर पैसे की जरूरत क्यों हुई तो बताओ, पैसे किस लिए चाहिए? भाई हमने ये हिसाब लगाया कि जैसे यहाँ हम बैठे हुए हैं, अभी तो इन्होंने 10-12 हज़ार खर्च कर दिए, ये जाने का काम जाने, वैसे इन्होंने अच्छा नहीं किया, मगर ये है कि पैसे की क्या जरूरत है, अपनी दरी ले आओ, अपनी चादर ले आओ, बुद्ध बिहार में दरी मिल जाएगी, 6 पराठे लेके आने हैं। पहले भी तो समर संघ में सब अपना खाना लेके आते थे, तो अपना खाना ले आओ, 6 पराठे लेके आओ, 4 आप खाओ, आपको जी मैं तो 6 ही खाऊंगा, तो भाई 8 ले आओ, 2 फालतू ले आओ, तो अपने पराठे ले आओ, तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य मंच, माला, माइक या बीच की कुर्सी है, या हमें आपस में मिलना है? तो मिलना है, तो मिलने के लिए हम अपने किराए से आ रहे हैं, अपने वाहन से आ रहे हैं, तो तुम्हें पैसा क्यों दें, और तुम पैसा मांग क्यों रहे हो हमसे? तो ये जो पैसा ले रहे हैं, अच्छा पैसे की कहानी सुनाता हूं आपको। मैं था परिसंघ के अंदर, तो मैंने बारीकी से देखा अंदर क्या हो रहा है। भाई एक रामलीला मैदान में रैली होती, रैलियां बहुत होती हैं, आप भी गए होंगे, रामलीला मैदान की रैली सुन लो कैसे होती है, फिर आप पैसे नहीं दोगे जिंदगी में किसी को। रामलीला मैदान की बुकिंग है 10,000 रुपए की, उस समय 10,000 की बुकिंग होती थी, शायद उसमें कुछ पैसा रिटर्न होता था जो सिक्योरिटी का था। और वहां जो टेंट वाले का खर्चा, टेंट तो कोई लगवाता नहीं, क्योंकि वो जो रैली करते हैं वो करते हैं नवंबर में और दिसंबर में, तब धूप होती है, आप धूप में बैठे रहो, उनके ऊपर तो छाएं होती है जहां वो नेता बैठे रहते हैं, तो टेंट कोई लगवाता नहीं। कुर्सियां वहां कभी 5,000 से ज्यादा नहीं पड़ी, क्योंकि उनके 5,000 से ज्यादा लोग किसी के आए नहीं कभी।
तो 2,000-3,000 मैक्सिमम 5,000, तो 20 रुपये एक कुर्सी हो गई, तो 5,000 का लगा लो कितना खर्चा हो गया। उसके बाद में वो कहते थे भाई अपनी बसें भर के लाओ, अपनी बसों से आओ, सब आदमी अपने पैसे से आते थे। माइक का खर्चा 20,000 रुपये का, झंडी बैनर सब अपना लेके आते थे, रोटी वो देते नहीं हैं। भाई ये बताओ, ये जो लाखों रुपया सरकारी कर्मचारियों से इकट्ठा होता है और जो रसीदें आती हैं कई कई करोड़ की, उस पैसे का रामने मैदान में खर्चा क्या हुआ, क्या खर्चा हुआ? ऐसी रैली मैं रोज कर दूं, 1,00,000-1,25,000 में रैली हो जाती है और कोई भी मुझे जो दुश्मन होगा उस रैली का, कोई भी फाइनेंस कर देगा कि तुम इनको इकट्ठा करके मूर्ख बनाते रहो और उसमें रैली करते रहो, और वहाँ रैलियों की बाढ़ है। तो मुझे, मैंने पूछा ये क्या है, तो कह रहे जी हमारा साल का खर्चा चलता है इससे, हम साल में जो गाड़ियों में घूमते हैं, जहाज में आते हैं, रेल में जाते हैं, 5-star होटल में कॉन्फ्रेंस करते हैं, आते हैं जाते हैं, वो खर्चा है जो कई करोड़ रुपये इकट्ठा होता है। अच्छा, सब ने वहाँ बड़े बड़े वादे किए। मैं फिर परिसंघ में रहा, परिसंघ का दिल्ली प्रदेश का, तो पहले साल में उन्होंने लिस्ट बनाई, पर्चा बनाया कि हमारी मांग है 12, ये 12 डिमांड हैं, तो 12 डिमांड हो गई। तो अगले साल फिर रैली डिसाइड हुई, तो वो डिमांड होगी 16। मैंने कहा भाई 12 तो पूरी नहीं हुई, कह रही 4 और जुड़ गई, ये नई आई हैं। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, पर्चे में मांग ही मांग रह गई, बाइक खत्म हो गया था। और भाई वो एक मांग पूरी नहीं हुई आज तक उन नेताओं से, इतने फेलियर नेता रहे, और उसके बाद भी वो ये नहीं कहते कि हम फेल हैं, वो कहते नहीं अब हम एक काम करते हैं, 10 सूत्रे कार्यक्रम बनाएंगे, 8 सूत्रे कार्यक्रम बनाएंगे, अभी हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई पहला तो तुम पास कर नहीं पाए, तुम अगला कैसे करोगे, तो थोड़ा सा हमको समझना चाहिए। वो नहीं समझेंगे, उनका तो काम चलता है, हमको समझना चाहिए कि संघ की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि संघ जवाब ले सकता है। हमसे बहुत लोगों ने कहा आप संगठन बना लो, आप प्रधान बन जाओ, आप जनरल सेक्रेटरी हमारे पास आ जाओ। हमने कहा भाई हमारे पास एक राइट है पूछने का, अगर हम संघ में रहते हैं तो हम खड़े होकर पूछ लेंगे, या वीडियो बना के पूछ लेंगे, या मीटिंग में खड़े पूछेंगे कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। तुम्हारे संगठन में आ गए तो फिर तो हमें तुम्हारे संगठन की स्तुति करनी पड़ेगी, फिर तुम्हारे पदाधिकारी हो जाएंगे, हम बोलेंगे तुम कहते चुप हो जाओ वरना निकाल देंगे तुमको बाहर, तो मैं अपना राइट क्यों खोऊं। संघ की सबसे बड़ी शक्ति है कि संघ में सब बराबर हैं, और यहां कोई भी खड़े होकर कुछ ही पूछे और कोई भी खड़े होकर जवाब दे, मेरे को चुप कर दे मैं चुप हो जाऊंगा, संघ ही तो है, तो संघ में कोई दिक्कत नहीं। अभी एक भाई था, उसने कहा भाई आप प्रश्न नहीं पूछ रहे, संघ के नियम तोड़ रहे हो, संघ का नियम यह था कि आपने प्रश्न पूछना है, ये बात की बात बाद में थी। सारे के सारे एक साथ ही बोल पड़े ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। वो भाई क्या बोलते हैं, समझदार था, चुप ही चला गया, कह रहा भाई बात बनी नहीं तो निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि संघ खिलाफ है मामले के। तो संघ में बड़ी शक्ति होती है। आप अभी एक सेंटेंस में बहुत सही बोल रहा हूँ, संघ के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं संघ का आदमी हूँ, और अभी मैं यहाँ ये कहने लगूँ आपसे कि लाओ भाई 1,000-1,000 रुपये इकट्ठे करके दे दो जरा, तो फिर मैं संघ का आदमी नहीं हूँ, सारे भाग जाओगे आप तो एक मिनट में। फिर कहोगे देखो ये भी बहरूपिया है, बड़ी अच्छी बातें कर रहा था, फलानी बात ढहरी बात, तो आ गया ना भाई, पहुँच गया ना भाई, पैसे ऐसे भी इकट्ठे करने हैं। इसलिए पॉलिटिकल व्यू भी हमारा बिल्कुल क्लियर है, पॉलिटिकल व्यू जो संघ का होता है, संघ कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाता, संघ कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाता। अगर ये संघ पॉलिटिक्स में जाता है तो इसको लात मार देना। कारण क्या है कि संघ में सारे पॉलिटिशियन आते हैं, जितने लोग संघ के हैं सारे यहाँ हैं, वो लोग यहाँ आए संघ के अगर फेवर में इकट्ठे होकर आते हैं तो संघ उनके साथ है, क्योंकि वो एक प्रणाली का हिस्सा है। मगर संघ अपना कोई सिस्टम नहीं बनाता, संघ कभी कोई सिस्टम नहीं बना सकता, संघ का कोई अकाउंट नहीं हो सकता, संघ का कोई नायक नहीं हो सकता, संघ का कोई नेता नहीं हो सकता, और संघ में कोई व्यक्तिवाद नहीं हो सकता। और व्यक्ति अगर जिस दिन संघ में आएगा उस दिन संघ ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, फिर दोबारा से कुछ लोग इकट्ठे होंगे, वो फिर संघ को देखेंगे, फिर संघ को बनाएंगे। अगला प्रश्न बताइए।